Hi student, and today I'm going to tell you how can you solve question number 6 from exercise 7.1. Name the type of quadrilateral formed if any and by the following points and give reason for your answer. तो अगर हम 4 पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमें बताना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसके पॉइंट है हमारे. तो क्या करेंगे हम, इन पॉइंट्स को ए बी सी डी मान लेंगे. लेट द पॉइंट्स बी इसको फर्स्ट वाले को ए मान लिया, -1 एंड -2. सेकंड वाले को 1 एंड 0 मान लिया. थर्ड वाले को -1 एंड 2 मान लिया. और फोर्थ वाले को मान लिया मैंने डी, -3 और 0. तो अगर अब ये हमारे कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा ए बी सी डी. तो इसके पॉइंट होंगे ये. तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक साइड की लेंथ फाइंड करेंगे और उसे फिर हम देखेंगे कि लेंथ कैसी आ रही है. अगर इक्वल आ रही है तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर है. अपोजिट इक्वल आ रही है, अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी आती है तो हम बोलेंगे रेक्टेंगल है. तो इस तरीके से हम ट्रायंगल के बारे में पता करेंगे, ट्रायंगल किस टाइप का है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है. तो यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स टू का स्क्वायर वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स एक्स टू का स्क्वायर एंड वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक है. तो यानी कि हमारे पास दो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए बी, ए और बी के. तो ए और बी के अगर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है, ए का पॉइंट है -1 एंड -2 एंड बी के क्या है 1 एंड 0. तो अगर ये हमारा एक्स वन हो गया, ये हमारा एक्स टू हो गया, ये हो गया हमारा वाई वन और ये हो गया हमारा वाई टू. तो हम सिंपली डिस्टेंस फाइंड कर, लेंथ फाइंड कर सकते हैं ए बी की. तो क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू, यानी कि -1 -1 -1 का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू -2 -0 का स्क्वायर, तो यानी कि -2 का स्क्वायर 4 + 4 8 2√2. तो 2√2 आ गए हमारी ए बी, ठीक है. अब निकालेंगे हम बी सी. तो बी सी के लिए हमारे पास बी के पॉइंट क्या है, बी के पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट है हमारा 1 0 एंड सी क्या है हमारा, जो सी के कोऑर्डिनेट है -1. तो क्या करेंगे हम, अगेन x1 y1 x2 y2 x2 y2, ठीक है y2. तो क्या होगा, x1 - x2 यानी कि 1 - -+1 तो 1 ये हो जाएगा. और ऐसे ही एक y1 - y2 यानी कि 0 - 2 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. तो सेम ही आएगा फिर भी 4 + 4 विच इज 8 एंड विच इज 2√2 यूनिट्स, ठीक है. ऐसे ही हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे सी डी. सी डी के लिए हमारे सी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 एंड 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, डी के कोऑर्डिनेट है -3 एंड 0. तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2. तो अगेन हम लगाएंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला. क्या होगा हमारा, x1 - x2 यानी कि -1 - -+3 का स्क्वायर और y1 - y2 यानी कि 2 - 0 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा 4 + 4 विच इज √8 एंड √8 इज 2√2. ये हो गया हमारा 2√2 यूनिट, अगेन इसका भी आ गया.
लास्ट हमारी साइड रह गई है ए डी, ठीक है। तो ए डी के ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, ये डी के कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, माइनस वन और माइनस टू। ए के कोऑर्डिनेट है माइनस वन एंड माइनस टू, एंड डी के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस थ्री एंड ज़ीरो, ठीक है। तो सिमिलरली गाइस आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है इसे भी, एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हो गया हमारा एक्स वन, वाई वन, ये आपको ऐसे इस तरीके से मार्क नहीं करना है, आपको मन में रखना है कि एक्स वन वाई वन है और एक्स टू वाई टू है, ठीक है। तो एक्स वन माइनस एक्स टू, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री का स्क्वायर, माइनस टू माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर अब फोर, ये हो जाएगा हमारा एट, विच इज टू रूट टू यूनिट। तो आपने देखा कि आपने क्या नोटिस किया, ये जो ए बी है वो इक्वल टू है बी सी, इक्वल टू है सी डी, इक्वल टू है ए डी, क्योंकि देखो ये ए डी भी हमारा टू रूट टू आ रहा है, सी डी भी हमारा टू रूट टू आ रहा है, बी सी भी हमारा टू रूट टू आ रहा है, एंड ए बी भी हमारा रूट टू टू रूट टू आ रहा है। तो यानी कि आप देखेंगे कि ये सब किसके इक्वल है, टू रूट टू के। हम कह सकते हैं चारों साइड बराबर है, तो हम कहेंगे सिंस ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हैंस द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली गाइस आपको ये बचे हुए क्वेश्चंस भी ऐसे ही सेम तरीके से सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी है, कुछ अलग से करना नहीं है आपको, ऐसे चारों साइड निकालनी है सेम तरीके से। तो अगर आपका अपोजिट साइड इक्वल आती है तो हमारा रेक्टेंगल होगा, और या फिर ये कंडीशन होती है, और क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा देखते ही, आपको अगर साइड देखेंगे आप, जैसे आपकी जो डिस्टेंस लेंथ निकलेगी सारी साइड की, तो आपको देख के पता चल जाएगा किस टाइप का हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर नहीं सॉल्व होते आपके बाकी के टू क्वेश्चन, तो जस्ट लेट मी इन कमेंट सेक्शन, बट दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व, यू मस्ट ट्राई एट योर ओन, ठीक है। अपने आप ट्राई करो, उसके बाद नहीं आता है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इन दिस वीडियो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर आपको नहीं हो रहा तो देन आई कम अप विद अ वीडियो विच इंक्लूड दीज टू ऑप्शन एज वेल। सो यप, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो टिल देन।